देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, साइन एक्स इक्वल टू में 12/13 एंड एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो हमें पहले इन दोनों का वैल्यू, सेक एक्स और टेन एक्स का वैल्यू निकाल के ऐड कर देना होगा। चलिए एक्स लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल एक्स लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो साइन दिया तो ये पी बाई एच होता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12 के और एस हो जाएगा 13 के। तो बी निकाल लेते हैं, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर, 13 के का स्क्वायर माइनस का 12 के का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस का 144 के स्क्वायर, यानी यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 25 के स्क्वायर, यानी 5 के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम लोग सेक एक्स निकालते हैं और टेन एक्स निकालते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। सेक एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, यानी सेक भी माइनस में होगा। चलिए इसका होता है एच बाई बी, यानी कि माइनस का 13 के और बाई में 5 के। ठीक है, माइनस का 13/5 आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे टेन एक्स की, तो पी बाई बी ये भी निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 12 के बाई में 5 के माइनस का 12/5। अब चलिए देखते हैं सेक एक्स प्लस में टेन एक्स का वैल्यू, तो माइनस का 13/5 और प्लस में माइनस का 12/5, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 25/5, 5 ट्रांसफर कर जाएगा, माइनस का 5 इसका वैल्यू आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर